नमस्कार। तो आज आप मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स यानी कि MRPL स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। MRPL स्टॉक में पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी गिरावट हो चुकी है। 280 से गिरकर स्टॉक तकरीबन अभी 223 पे क्लोजिंग दी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन कैसा रह सकता है, उसके ऊपर भी फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग चेक करेंगे। स्टॉक में यहाँ पे 2019 में 1 लाख निवेश की होती तो अभी 3 लाख के ऊपर यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाता। पिछले एक साल में 299 तकरीबन 300% का रिटर्न्स भी दिया है कंपनी ने। फंडामेंटल स्कोर देखा जाए इंडस्ट्री का तो 6.3 है और कंपनी का जो है 4.8 तकरीबन यहाँ पे मीडियन है दोनों का। और यहाँ पे आप नज़र डालोगे MRPL के कंपनी के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन स्कोर जो है कंपनी का वो 2.3 काफ़ी कम आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे इंडस्ट्री का तकरीबन मीडियन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पी रेशियो ठीक है कंपनी का देखा जाए तो। और यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे वैल्यूएशंस के फेयर प्राइस के ऊपर तो जो कंपनी का जो प्राइस है वो 243 और फेयर प्राइस जो है कंपनी का होना चाहिए 107, मीन्स काफ़ी ऊपर यहाँ पे कंपनी का प्राइस देखने को मिला है। और यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे इस मैंगलोर रिफाइनरी, यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन इस MRPL स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MRPL स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है रिसेंटली देखा जाए तो। ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे MRPL के लिए।